ठाकुर साहब ने अपनी बेटी माला की शादी में बहुत सारा दहेज दिया था, क्योंकि उनकी बेटी दिमाग से थोड़ी कमजोर थी। वो भले ही शरीर से बड़ी थी पर दिमाग से बिल्कुल बच्ची थी। देखो पिताजी, मैंने शादी कर ली। आपने कहा था ना, शादी करूंगी तो मुझे आइसक्रीम खिलाओगे, तो कहाँ है मेरी आइसक्रीम? रामू, ठाकुर का नौकर ढेर सारी आइसक्रीम लेकर वहाँ आया और दुल्हन सभी के सामने आइसक्रीम खाने लगी। ये देखकर सुमित्रा के तो होश उड़ गए। पैसों के लिए ये शादी है, कुछ दिन तो झेलना पड़ेगा। एक आध साल बाद ठाकुर जी को बोल दूंगी उनकी बेटी शादी के लायक ही नहीं है और वो अपनी बेटी को ले जाएंगे। मुझे पैसे लौटाने भी नहीं पड़ेंगे। ब्रिजेश अपनी माँ का लाडला था, जैसा माँ बोलती वो करते जाता था। खैर, ब्रिजेश और माला की शादी को 6 महीने बीत गए और अब सुमित्रा ने अपना खेल शुरू किया। वो माला को सुनाने लगी, क्या पता किस मनहूस घड़ी में मैंने ब्रिजेश का ब्याह इस मन बुद्धि से करवाया था। ये लड़की शरीर से तो बड़ी है पर है बिल्कुल बच्ची, ना खुद समझती है ना समझाने से समझती है। अब भगवान ही मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। कौन सी इच्छा? पोता पोती को देखने की। तुझे तो पता ही नहीं कि बच्चे कैसे देते हैं। अब आप ही बता दो ना सासू माँ, बच्चे कैसे आते हैं? हे भगवान, अब मैं समझाऊँ? ये सब सुनने से पहले तो उठा लेता भगवान, उठा ले मुझे। अरे बताओ ना सासू माँ, बच्चे कहाँ से आते हैं? बाजार में मिलते हैं, जा खरीद ला। बस इतना ही ना? मैं अब भी बाजार जाती हूँ और आते आते एक बच्चा खरीद लाऊंगी। माला ने अपनी अलमारी से सोने के सिक्कों की पोटली उठा ली और बच्चा खरीदने के लिए निकल पड़ी। वो बाजार पहुंची। यहाँ बच्चे कहाँ मिलते होंगे? एक काम करती हूँ, किसी को पूछ लेती हूँ। माला वहाँ खड़ी एक औरत के पास गई। अरे दीदी, यहाँ बच्चे कहाँ मिलते हैं? किसके बच्चे? किसके क्या, इंसान के बच्चे। इंसान के बच्चे? तू क्या करेगी उनका? मुझे इंसान के बच्चे खरीदने हैं। क्या, पागल हो गई है क्या? भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से पागल आ जाते हैं। निकल वरना पीट पीट कर तेरा बुरा हाल कर दूंगी, भाग यहाँ से। उस औरत ने माला को पागल समझकर भगा दिया। माला आगे बढ़ी। आगे उसने देखा कि एक दुकान पर गाय का बछड़ा और बकरे के बच्चे थे। माला उस दुकानदार के पास गई। भैया, क्या तुम इंसान के बच्चे भी बेचते हो? नहीं नहीं, ये क्या बकवास कर रही हो, तुम निकलो निकलो यहाँ से। माला जिस भी दुकान में जाती लोग उसे धिक्कार के भगा देते। माला को एक ठग ने देख लिया। लगता है ये औरत बिल्कुल पागल है, लेकिन इसके शरीर पर इतने सारे सोने हैं, जरूर पैसे वाले घर की होगी। मैं इसे बेवकूफ बनाकर इसके सारे पैसे लूट लेता हूँ। ठग ने अपना रूप बदला और एक साधु का भेष धारण कर लिया और माला के पास आ गया। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। पुत्रे, तुम्हें एक बच्चा चाहिए ना? हाँ बाबा, क्या आप मुझे बच्चा दे सकते हो? हाँ, मेरे पीछे आओ। माला उस साधु के पीछे चलने लगी। साधु माला को अपने साथ जंगल की ओर ले गया। जंगल में वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया। अरे बाबा, आप मुझे बच्चा देने वाले थे ना? हाँ पुत्री, पर बच्चा खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? हाँ है ना, मेरे पास पोटली भर के सोने के सिक्के हैं। माला ने साधु को सोने के सिक्कों की पोटली दिखाई, जो देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। बस बस इतना सोना? मेरे पास तो इतना ही है। इतने में तो बस इंसान का अंडा आएगा। मुझे चलेगा, अंडा फोड़कर बच्चा निकलेगा ना? हाँ, पर इंतजार करना होगा। ठीक है, चलेगा। तुम यहीं रुको, मैं इंसान का अंडा लेकर आता हूँ। वो ठग साधु पेड़ के पीछे गया। बड़े से पेड़ के पीछे उसने पहले से तरबूज को सफेद रंग देके रखा था। वो ठग
सफेद तरबूज को लेके उठा लाया और उसने वो सफेद तरबूज माला को दे दिया। इतना बड़ा अंडा? हाँ, इंसान का अंडा है, ये बड़ा तो होगा ही ना। हाँ हाँ, ये लीजिए। माला ने उस साधु को सोने के सिक्कों की पोटली दे दी और अंडा लेकर चलने लगी। संभल कर जाना, रास्ते में अंडा गिरा मत देना। मैं ध्यान से जाऊंगी। माला वहां से निकल गई। अब मेरा भी बच्चा होगा। ये इंसान का अंडा फूटेगा और इसमें से एक बच्चा पैदा होगा। वो बच्चा लड़का होगा या लड़की, चाहे जो भी हो, वो मेरा बच्चा होगा और सासु माँ की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। रास्ते में माला को एक बड़ा मंदिर दिखा। इस अंडे को भी भगवान के दर्शन करवा देती हूँ, भगवान की इस पर कृपा रहेगी। ये सोचकर माला अंडे को मंदिर के अंदर ले गई। उसने भगवान की मूर्ति के सामने वो अंडा रख दिया। भगवान जी, मुझे भी एक बच्चा चाहिए जो मेरे साथ हमेशा रहे। सब कहते हैं मैं पगली हूँ और कोई भी मुझसे बात तक नहीं करता। आप इस अंडे का ख्याल रखना। माला अंडे को वही छोड़कर प्रसाद खाने चली गई। उसके जाते ही कुछ चमत्कार हुआ और भगवान जी की मूर्ति से एक रोशनी निकली और उस सफेद तरबूज पर पड़ी। कुछ देर बाद माला वहां लौटी और वो अपना अंडा उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। सासू माँ, मैं इंसान का अंडा ले आई, अब मेरा भी बच्चा होगा जो आपको दादी बोलेगा। अरे बेवकूफ, ये क्या ले आई? भला इंसान का अंडा होता है क्या? होता है। मुझे एक अंडा एक साधु बाबा ने दिया है और बोला है इसका ख्याल रखना। पागल कहीं की, चल ठाकुर साहब को तेरा कारनामा दिखाता हूँ। सुमित्रा और ब्रिजेश माला और उसके अंडे को ठाकुर साहब के पास ले आए। आप ही देखिए क्या कारनामा करके आई है आपकी बेटी। बच्चे के लिए कह रही थी, अब ये इंसान का अंडा लेकर आई है, बोलती है इसमें से बच्चा निकलेगा। ठाकुर साहब शर्मिंदा थे। बेटा ये क्या है, इंसान अंडे से थोड़ी ना निकलता है। पिताजी, निकलेगा, इस अंडे में से बच्चा जरूर निकलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? होगा, ये अंडा फूटेगा और इसमें से बच्चा निकलेगा, मेरा बच्चा। माला ऐसा बोल ही रही थी कि अचानक अंडे में दरार आ गई और अंडा फूट गया और तेज रोशनी के साथ बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। सभी लोग दंग रह गए। उस अंडे के अंदर सच में एक बच्चा था। मेरा बच्चा, देखो पिताजी, मेरा बच्चा। मैंने कहा था ना, मेरा बच्चा अंडा फोड़कर बाहर निकलेगा, देखो। ठाकुर साहब, ब्रिजेश, सुमित्रा और बाकी सभी लोगों को अपनी आंखों देखी पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये भगवान का चमत्कार ही था कि अंडे से बच्चा निकला था। माला को वो बच्चा भगवान जी ने उपहार स्वरूप दिया था, उसके अकेलेपन को खत्म करने के लिए। अंडे से बच्चा निकलना असंभव था, पर जो खुद लोगों ने देखा उसे अनदेखा करना भी असंभव था। आखिर लोगों ने मान ही लिया कि इंसान का अंडा भी होता है।